हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और वन नाइट स्टैंड वाली ड्रामे लेकर। सो एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा जिसमें मैं ड्रामा पूरा निपटाऊंगी। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ड्रामा कैसा लगा। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की को, हमारे ड्रामे का मेल जिसका नाम जीन होता है, वो पुश करता है बेड की तरफ। और ये बंदी है हमारी ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम लिंसी होता है, और वो उसकी करीब आने की ट्राई कर रहा था। और लिंसी घबराई हुई होती है, वो ब्राइडल ड्रेस में थी। जब वो घबराती है तो उस टाइम पे जो जीन था वो उसे बोलता है कि तुम नर्वस हो, वो बोलते बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद हमें इन दोनों के बातों से ऐसा लग रहा था कि ये नशे में होगी। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि डोंट वरी, में जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लूँगा। और उसके बाद वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। सो फ्लैशबैक में चलते हैं, आखिर ये सब कांड कैसे हुआ। थोड़ा पहले तो आज जिंसी की शादी थी उसका बिलोंग टर्म बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन शादी के वेडिंग वेन्यू जाने से पहले उसका फियांसी उसकी स्टेप सिस्टर को लेके आता है। ये बोलते हुए कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट हो जाता है। ऐसे पापा थोड़ा डांट लगा रहे होते, बाकी कोई डांट नहीं लगाता, क्योंकि खुद स्टेप मदर तो अब अपनी बेटी की साइड लेने वाली थी। तो यहाँ पर पापा कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते। लिंसी को बड़ा गुस्सा आता है। वो आती है और उसका फियांसी उसे बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद लिंसी बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुमने मुझे चीट कर लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं रोती रहूँगी, मेरे पास भी 100 ऑप्शन है। तुम ऐश करो अपनी लाइफ में, मेरी बहन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें इस दुनिया में कोई और नहीं मिली थी क्या? मेरी खुद की बहन के साथ मुँह मार रहे थे, ऐसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 10 साल तक हम दोनों साथ में थे और मुझे लगा था मेरी बहन और मेरा फियांसे तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ये गलतफहमी इस तरह से टूटेगी। ऐसा हो बोलती है, उसकी स्टेप सिस्टर कुछ डायलॉग मार रही होती है, ऐसे ड्रामे वाले डायलॉग। लेकिन जो लिंसे थी वो बोलते हैं कि मुझे तुम लोगों की कोई भी बकवास नहीं सुननी, क्योंकि मैं इतनी वीक नहीं हूँ कि एक बंदे के चले जाने से मैं अपनी लाइफ को तबाह करूँ, मैं भी आराम से जी सकती हूँ, तुम्हें तुम्हारी लाइफ मुबारक हो, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। लिंसी को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और वो ऐसे रास्ते में बहुत ज़्यादा शराब पीते हुए जा रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इवन उसने अपने ब्राइडल ड्रेस भी उतारा नहीं था। और हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पे जाने के बाद ऐसे बैठ जाती है, एक बंदा वहीं से क्रॉस हो रहा था, गाड़ी को रोकता है हेल्प करने के इरादे से। ये बंदा हो गया ड्रामे का मेल लीड जिसका नाम जीन होता है। और उसके बाद वो उसे वहाँ से लेके अपने घर की तरफ निकल जाता है। ओ उसका उसके उसके बालों को सुखा देता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि क्या बात है, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया क्या, या फिर तुम्हारे ग्रूम ने छोड़ दिया जो इस तरह से देवदास बन के रास्ते पे भटक रही थी। तुम लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हो, छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को हार्म करती हो, थोड़ा स्ट्रांग बनना सीखो, ऐसा वो बोल रहा होता है। ये सुनने के बाद वो बोलती है लिंसी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लड़के के चले जाने से अपने आप को हार्म करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट ऐसा चीटर तो मुझे लाइफ में नहीं मिला ना, अच्छा हुआ उसने वो चला गया मेरी लाइफ से, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो नशे में थी। ये सुनने के बाद जो जीन था वो उसे बोलता है कि आर यू श्योर, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोलते बिल्कुल भी नहीं। वो उसके काफ़ी करीब जाने की ट्राई करता है और बोलता है कि मान लो तुम्हें फ़र्क तो पड़ता है, तुम बस ड्रामा कर रही हो स्ट्रॉन्ग होने का, लेकिन तुम नहीं हो, तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है तुम्हारी फ्रेंड्स को चीट करने से और तुम बहुत वीक हो। ये सुनने के बाद जो हमारी लिंसी थी वो बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं ये साबित भी करके रहूँगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि कैसे साबित करोगे। ये सुनने के बाद लिंसी बोलती है मैं तुम्हें अभी के अभी साबित करके दिखाऊंगी। और उसके बाद वो उसे किस करने लगती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, नाइट स्पेंड कर लेते हैं।
अब हमें दिखाया जाता है जो लिंसी होती है नेक्स्ट डे अपने पापा के पास जाती है और वहाँ पर जाने के बाद उसकी स्टेप सिस्टर ऑलरेडी माहौल बना के बैठी हुई थी। पापा गुस्सा करती और अचानक कहाँ गई थी और मुँह काला कर रही थी। ये सुनने के बाद लिंसी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि आपको तो हमेशा आपकी फेवरेट बेटी पसंद है, भले ही मैं आपकी खुद की बेटी हूँ लेकिन आप मुझे हमेशा ऐसा बर्ताव करते हैं कि मैं कोई पराया हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहने वाली, मुझे जिंदा रहने के लिए आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सर्वाइव कर लूँगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो अपनी बहन को बोलती है कि उम्मीद करो कि तुम और मैं फिर से दोबारा ना मिले, क्योंकि अगर हम दोनों फिर से दोबारा मिले तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, ऐसा वो बोल के और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है कुछ सालों बाद वाला सीन जहाँ पर जो लिंसी थी वो थोड़ी चेंज हो गई थी लेकिन खूबसूरत तो बड़े लग रही होती है। वो एक पार्टी में आई हुई होती है, एक बिजनेस मीटिंग वाला पार्टी, और वहाँ पर आने के बाद वो देखती है कि उसका एक्स फियांसी यानी कि अभी उसके बहन का हस्बैंड बोले या फियांसी और उसकी बहन तो वहीं पर है, और दोनों उसे देखने के बाद शौक में थे। और इसके बाद दोनों बोले थे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसकी बहन बोलती है कि तुमने बहुत मेहनत किया होगा ना 5 साल तक ऐसे बाहर रहने में, पता नहीं कितने लोगों के साथ मुँह काला करने के बाद तुम सरवाइव कर पाई होगी। वो सीधा सीधा बोल रही थी अपनी बहन को कि तुमने तो अपनी बॉडी को सेल करके ये सब कुछ कमाया होगा, देखने में तो अच्छे खासे कपड़े पहन रही हो लेकिन मुझे नहीं लगता अकेले कोई लड़की इतना कुछ कर पाएगी। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बेबी आता है, हाँ गाइस ये रामा भी सीक्रेट चाइल्ड के ऊपर है, और वो बोलता है कि मम्मा ये आपको बुली कौन कर रहा है। और उसके बाद वो उसकी सिस्टर की तरफ देख के बोलता है कि आप कौन हो, आप मेरी मम्मा को क्यों बुली कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि उसकी सिस्टर की क्या बात है, तुमने तो ऐसे कोई राह चलते आदमी से बच्चा भी कर लिया क्या, तुम इतनी ज़्यादा डिस्पेक्ट हो गई जब तुम्हारी फ्रेंड्स ने तुम्हें छोड़ दिया, बोल के तो वो तो ऐसे बेइज्जती करने लगती है। लिंसी को बड़ा गुस्सा आता है और उसके बाद वो उसे बोलते कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह हूँ जो हर किसी के साथ मुंह मारती फिरूँ या फिर इवन खुद के बहन के होने वाली पति के साथ मुंह मारने वाली, बिल्कुल भी मत ऐसा सोचना, ऐसा बोल के अपने बच्ची को पकड़ती है। और तभी वहाँ पर जो उसका एक्सपीरियंस था वो उससे पूछता है कि तुम किसके साथ आई हो, वो तो थोड़ा कंसर्न दिख रहा होता है लिंसी के लिए कि जैसे कि उसके दिल में वो होता है ना जब वो उससे दूर चली गई तो अब वो उसे चाहिए टाइप का बर्ताव कर रहा था। और जो लिंसी थी वो बोलती है तुम अपने हाथ में रहो, तुम्हारे साथ तुम्हारी फ्रेंड्स ही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एंट्री लेता है जीन, जीन को देखने के बाद सब लोग शौक में थे क्योंकि जीन तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और उसके बाद जीन को देखने के बाद जो बेबी था इसका नाम नुआन है, वो बोलता है पापा, और उसके बाद वो बच्चे जो नुआन था उसे जीन पकड़ लेता है। और उसके बाद अब सब तो सबको पता तो चल गया है दोनों हस्बैंड वाइफ है, और सब लोग इतनी वाहवाही कर रहे थे, तारीफ ही कर रहे थे, जो चीज़ हमारी लिंसी के सिस्टर को तो पसंद बिल्कुल भी आ नहीं रहा होता है। और उसके बाद वो बोलते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इसकी वो वाइफ हो, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, मुझे लगता है कोई गलतफहमी है, ये लड़की ऐसी नहीं है, ट्रस्ट मी सर, ऐसा बोल के उसे तो ऐसे मस्का लगा रही थी। और वो बोल रही थी कि ये तो वाइल्ड मैन से मैन के साथ अपनी बॉडी सेल करती है और आपकी वाइफ कैसे हो सकती है, पक्का इसने आपको फंसाया होगा। ये सुनने के बाद जिन बोलता है कि अगर तुमने दोबारा मेरे वाइफ के बारे में कोई भी डिसरेस्पेक्टफुल बात की तो कसम से मैं भूल जाऊंगा तुम कौन हो, और तुम ना जो पनिशमेंट भुगतोगे उसके लिए तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगी। ये सुनने के बाद जो स्टेप सिस्टर थी उसका मुंह बंद हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ओ जो बेबी था और उसको लेकर जिन वहाँ से बाहर निकलता है। और उसके बाद वहाँ पर वो अपने बेबी को बोलता है कि बेबी आप अंदर जाके वीडियो गेमिंग खेलो, हम पार्टी में रह रहे हैं बाद में आ जाएंगे। और उसके बाद बच्चा बोलता है कोई बात नहीं पापा, और वो वीडियो गेमिंग वाले सेक्शन पे चला जाता है। हमें दिखाया जाता है जो लिंसी थी थोड़ी घबराई हुई थी, और जीन था वो बोलता है कि क्या बात है 5 साल तक तुम मेरे साथ हो, तुम मुझसे प्रेग्नेंट हो गई थी और बच्चा भी कर लिया तुमने, वो तो कोई बात नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था, वरना तो तुम मुझे खुद के बच्चे से दूर करती, लेकिन मैंने उसको भी छोड़ दिया ताकि मेरे बच्चे को एक
परफेक्ट फैमिली मिल सके। भले ही हम दोनों बस कहने के लिए हस्बैंड वाइफ है, इट डजेंट मीन कि कोई भी तुम्हें बुली करता रहे और इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ होने के बाद तुम वो सब कुछ सहती रहो, थोड़ा तो अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ऐसा बोल के वो लिंची को अपने करीब खींचता है। लिंची कुछ बोल नहीं पाती, वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल थी। ऐसा होता है ना कि किसी के साथ जो नज़दीक किया है उसके लिए मतलब वो अजीब सा एहसास दिला रहा होता है। और इसके बाद देखा जाता है लिंची बोलते कि नहीं मैं हैंडल कर रही थी, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी जिन बोलता है कि हाँ मैंने देख लिया तुम हैंडल कर रही थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब ये लोग पार्टी में डांस करने के लिए आ जाते हैं और दोनों तो अब स्टार कपल थे। सो दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ डांस कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे भी दिख रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में जो लिंची का एक्सपीरियंस ही था, वो लिंची के साथ चिपकने की ट्राई कर रहा था, उसके साथ बात करने की ट्राई कर रहा था। पता नहीं एक्सेस का प्रॉब्लम क्या होता है, जब तक साथ में हो तो कोई कदर नहीं और जब छोड़ के चली गई तो हाथों के पीछे पड़ जाते हैं। सो हमें दिखाया जाता है वो उसे पकड़ने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो तो लिचर की तरह चिपक रहा होता है। जीन आके उसे बोलता है कि अगर तुमने ये गलती दोबारा की ना तो मैं भूल जाऊँगा तुम कौन इंसान। और उसके बाद वहाँ पर गार्ड को बुला के बोलता है कि इसको अभी यहाँ से दफा करो और साथ में हाँ इसकी फियांसी की भी दफा करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इन दोनों को मेरी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, ऐसा वो बोल देता है। जो देखने के बाद लिंची की सिस्टर को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब हमें ये दिखाया जाता है गाड़ी में जाने के बाद लिंची उसे थैंक यू बोलती है, जिन बोलता है कि हम दोनों कहने के लिए कपल है लेकिन आप लोग को प्रोटेक्ट करना सीखो। वो उसका सीट बेल्ट खींचता है जिसके चक्कर में दोनों काफ़ी एक दूसरे के करीब थे। लिंची की तो दिल की धड़कनें रुक रही होती है लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को काबू में ला लेती है। हमें दिखाया जाता है फिर से जो लिंची थी उसे घर पर बुलाया गया था, यानी कि उसके पापा वाले घर पर, क्योंकि मैडम 5 साल से ऐसे गायब हो गई थी जैसे कि वो एग्जिस्ट करती भी ना थी। और वहाँ पर जाने के बाद उसके पापा बोल रहे थे कि तुम अपने पार्टी में ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम एक तो 5 साल के बाद वापस आई और तुमने अपने बहन को ह्यूमिलेट किया। ऐसे के बाद लिंची बोलते कि कौन सी बहन, मेरी तो कोई बहन है नहीं। तभी पापा बोलते कि बकवास करना बंद करो, स्टेप मम बोले थी कि ये देखो इसको हमने पाल पोस के बड़ा किया, आज हमें ये सिला दे रही है, ऐसा कैसे कर सकती है, इसने बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलेट किया मेरी बेटी को और उसके फियांसी को। ऐसे के बाद लिंची बोलते कि अब किसने बोला था मेरे साथ आके टकराने के लिए, मैंने थोड़ी बोला था, अगर खुद ऐसे पत्थर पे सर मारेगा तो सर खुद का दर्द तो होगा ही ना, वही हुआ है। और उसके बाद जाने वाली होती है, सिस्टर बोल रही थी कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, थी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, बोल के वो उल्टा ऐसा दिखा रही थी कि लिंची ने मुझे कुछ ज़्यादा ही हम कर दिया। लिंची बोलती कि ज़्यादा ड्रामा करना बंद करो, मैं ना कोई बेवकूफ़ नहीं हो जो तुम्हारे मगरमच्छ वाले आंसू में बह जाऊँगी, मैं तुम्हारा असलियत देख चुकी हूँ, तुम मेरे साथ क्या करती हो वो भी मैंने देख चुकी है, तो बकवास बंद करो। तो मैं ये फैमिली मुबारक हो, मुझे ना तो तुम्हारी फैमिली चाहिए ना तुम्हारा फियांसी चाहिए, बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में वो ऐसे क्लब में गई हुई होती है, उसका मूड ऐसे बहुत ख़राब था तो ऐसे वो ड्रिंक कर रही थी, ना तो घर जाना चाहती थी ना तो अब मायके वापस जा सकती थी, आप लोग समझ जाओ। तो ऐसे अपसेट होकर बैठी हुई थी और वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि मैं आपकी कुछ मदद करूँ। लिंची बहुत ड्रंक थी और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे होटल पर ले जाता है, होटल के वो बेड पे उसे सुलाता है और उसके बाद वो कैमरा सेट करने लगता है ताकि उसके साथ जो भी कांड करेगा वो रिकॉर्ड कर पाए। और हमें ये दिखाया जाता है कि तभी वहाँ से जिन क्रॉस हो रहा था और लिंची इतनी जोरों से चिल्ला रही थी कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, सब लोग मेरी लाइफ को तबाह करके बैठे हुए हैं, पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा था, बोल के वो ऐसे बकबक किए जा रही थी। और वो साउंड जिन बाहर सुन लेता है, उसे लगता है किसी को मदद की ज़रूरत है, वो दरवाज़ा नॉक करता है, वो बंदा दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि अंदर किसी को मदद की जरूरत है क्या। तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं आप जाओ, लेकिन जिन बोलता है कि नहीं मैंने सुना साउंड। और वो जैसे उसे धक्का देके अंदर आता है तो देखता है वहाँ पर तो लिंची बेड पे सो रही है। और उसके बाद दोनों में कुत्ते बिल्लू की तरह लड़ाई होती है, यानी कि ऑब्वियसली बंदा अपनी वाइफ को तो बचा लेता है। और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। और हमें दिखाया जाता है लिंची के पास जाके जिन बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हर बार अपने आप को कोई ना कोई मुसीबत में कैसे फंसा लेती हो, क्या टैलेंट है तुम में और हर बार मुझे बचाना आना पड़ता है, 5 साल हो गया तुम और मैं साथ में फिर भी ये सब चलता ही रहा है। लिंची बोलती है कि तुम आ गए, अरे शुर तुम आ गए। और उसके बाद उसे ऐसे किस करती है और फिर जिन बोलता है कि हे भगवान तुम्हारे आस पास ना मैं कभी सेफ हूँ नहीं, और स्पेशली जब तुम रॉन्ग कर होती हो। वो उसे फिर से किस
करती है और उसके बाद जो जिन होता है वो अपने आप को नहीं रोक पाता है और उसके बाद दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। लिंसी को एक बार फिर से उसके पापा घर पे बुला लेते हैं। उन्होंने बोला हुआ था कुछ अर्जेंट है। जब लिंसी वहाँ पर गई तो वहाँ पर उसका एक्सपीरियंस है उसकी सिस्टर थी और उसके बाद पापा बोल रहे होते हैं कि इन दोनों के साथ का डेट फिक्स हो गया तो तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। लिंसी बोलती है अगर आप मुझसे ऐसे मुझे ऑर्डर दे रहे तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाली लेकिन भीख मांग रहे तो मैं दे दूँगी, ऐसा वो बोलती है। और ये सेम कार्ड जीत के पास भी पहुंचा गया था और हमें दिखाया जाता है। अब अगले वाले सीन में लिंसी अभी जिन के साथ बाहर शॉपिंग के लिए गई हुई होती है। एक रेस्टोरेंट पे ये लोग नाश्ता कर रहे थे और जिन उसे पूछता है कि आर यू श्योर तुम्हें अपनी बहन की शादी में जाना है। वो लोग जानबूझ के तुम्हें प्रोवोक कर रहे हैं। ये सुनने के बाद लिंसी बोलती है कि नहीं मैं जाऊंगी अगर वो मुझे प्रोवोक कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं उनकी शादी में जाऊंगी तो मुझे हॉट फील होगा, ऐसा जानबूझ के वो मुझे परेशान करने के लिए कर रहे तो आई शुड गो ना, मैं इतनी वीक थोड़ी हूँ, ऐसा वो बोलती है। ऐसे सुनने के बाद जिनको बहुत अच्छा लगता है वो बोलता है कि व्हाई नॉट, अगर तुम जा रही हो तो मैं भी जाऊँगा और कपल बन के जाएंगे बोलता है। ऐसे इन दोनों की बातें से हमें पता चलता है कि जो जिन था उसे लिंच की सारी कंडीशन के बारे में पता है लेकिन कुछ तो मिसिंग था जिस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे। मतलब वो प्यार वाला एहसास हो या फिर कन्फेशन ये नहीं हुआ था, बाकी ये दोनों कपल प्रेटेंड कर रहे थे अपने बच्चे के लिए। शायद लिंसी नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई होगी, हमें दिखाया जाता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर और उसका फियांसी भी वहीं से पास हो रहे थे और उसकी स्टेप सिस्टर बोलती कि व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज दे, आप यहाँ पर भी हो, क्या बात है, आप हर जगह पे होती हो, आपको क्या लग रहा है आप ये सब करके मेरे फियांसी को मुझसे छीन लोगे। ये सुनने के बाद लिंसी बोलती है कि डर उनको लगता है जो दूसरों से पहले कुछ चीज छीन चुके हैं, तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि तुमने भी सेम चीज़ किया था ना, तो तुम श्योर नहीं हो अपने प्यार में, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी फियांसी रखने का, ऐसे भी मैं एक बार मुँह लगाया हुआ चीज़ दोबारा मुँह नहीं लगाती, मेरे लिए यूज एंड थ्रो होता है, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद उसके सिस्टर को बड़ा गुस्सा आता है, वो बोलती है कि देख लूंगी तुम्हें, मतलब मन ही मन में बोल के वहां से निकल जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंसी को देखकर जिन हंस रहा होता है। वो दोनों बाहर जा रहे थे तभी लिंसी के पैर जो कपड़े थे उसमें पीरियड की वजह से खून लग गया था। वो उसको अपने जो कोट था वो ऐसे पहना देता है, कोट से ऐसे बांध के वो गाड़ी में ले जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर पे जाने के बाद जो लिंसी थी वो डायरेक्ट शावर लेने गई और जो हमारा बंदा था वो उसके लिए स्टेप लेके आया हुआ था। तो हमें ये दिखाया जाता है कि जब सैनिटाइज पैड उसे पकड़ाने वाला था तो लिंसी बस टॉवल पे थी, वो उसे वो पैड का पैकेट ऐसे पकड़ा रहा था और लिंसी का पैर गया, फिसल गया और वो उसके ऊपर गिर गया, जिसके चक्कर में जो अभी जिनके टेस्ट का कस्टमर बनने वाला था वो तो अलग था, उसके चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था, इसीलिए वो जल्दी से जाके वहाँ पर बेड पर रेस्ट करने लगता है। लिंसी अपने कपड़े बदल के उसकी हालत देखने के लिए आती है। लिंसी बोलती है जिन को मैं तुम्हारे चेस्ट पे मलम लगा दूंगी और वो जल्द से जल्द कपड़े उतारता है और ऐसे लेट जाता है। वो मलम लगाती है उससे पहले वहाँ पर उनका बेटा आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर माहौल खराब होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका बेबी बोल रहा था कि मम्मा मुझे भी जाननी है उस शादी में, तभी वो बोलती कि नहीं बेबी आपका एग्जाम है, आपको पढ़ाई करनी है और बड़े लोग फंक्शन में नहीं जाते, ऐसा बोल के उसे मना लेती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिंसी की सिस्टर होती है वो डॉक्टर के पास होती है। एक बार फिर वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद वो मन ही मन में सोच रही थी कि उस टाइम तो मैंने जो उसका फियांसी था यानी कि लिंसी का एक्स उसे पाने के लिए झूठ मूठ के प्रेग्नेंसी का बहाना कर दिया था और बाद में मिसकैरेज का भी ड्रामा कर लिया, लेकिन इस बार मैं इस बेबी को रखने वाली हूँ, ऐसा वो मन मन में सोच रही होती है। हमें दिखाया जाता है लिंसी और जिन शादी में चले जाते हैं जहाँ पर सबका अटेंशन उनके ऊपर ही था और उसकी सिस्टर बोलती कि मुझे पता नहीं था तुम आओगी मेरी शादी पे, सबके सामने तो ऐसा बोले थे कि आई एम फीलिंग सो ग्लैड थी, लेकिन वो थोड़ा नजदीक जाके बोले थे कि बड़ी बदतमी जो बड़ी बेशरम तुमने हिम्मत कैसे की मेरी शादी में आने की, तुम्हें लग रहा होगा ना अभी भी तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हें मिल भी सकता है, भूल जाओ ऐसा तो होने से रहा। तभी लिंसी बोलते कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारा फियांसी वापस चाहिए, सोचा भी मत, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मेरा बेबी है, मेरा पति है और एटलीस्ट तुमसे तो बहुत
जो तुम्हें लाइफ मिली है ना उसे तो बहुत बेटर वाला हस्बैंड है, ऐसा वो बोल रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी सिस्टर थी वो निंची को पकड़ती है हाथ, और लेकिन दुनिया को दिखाती नहीं है, मतलब वो होता है ना उसको लेकर पानी में डूबती है, लेकिन यहाँ पर सब आके उसको बचा लेते हैं और जिन आके निंची को निकालता है। और वो ऐसे बोल रहे थे कि इतने मुझे पानी में धक्का दिया, और जो दिखने के बाद सब लोग डांट रहे होते, इवन पापा भी निंची को डांट रहे थे कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो प्रेगनेंट है। ये सुनने के बाद निंची बोलते हैं कि आपको लगता है कि मैंने इसे धक्का दिया है, और तभी हर जीन आता है और वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है मैं गलत जगह पे आ गया, मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, जहाँ पर मेरी वाइफ के साथ ये सब कांड होगा। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को ऐसे जाने नहीं दूंगा, और उसके बाद वो लिंच को लेके वहाँ से निकल जाता है।